저랑 한번 따라하세요. 십사과. 말해보세요. 십사과. 십사과. 저는 저는 비빔밥을 비빔밥을 먹을래요. 먹을래요. 대화 1. 대화 1. 중국원. 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 따라하세요. 중국원. 중국원. 어서 오세요. 어서 오세요. 몇 분이세요? 몇 분이세요? 투안. 투안. 두 명이요. 두 명이에요. 자리 있어요? 자리 있어요. 네, 있어요. 네, 있어요. 이쪽으로 이쪽으로 앉으세요. 앉으세요. 뭐 드릴까요? 뭐 드릴까요? 저는 저는 비빔밥 비빔밥 먹을래요. 먹을래요. 두한 씨는 두한 씨는 뭐 먹을래요? 뭐 먹을래요? 저는 저는 김치찌개 김치찌개 먹을래요. 먹을래요. 그럼 그럼 여기 여기 비빔밥하고 비빔밥하고 김치찌개 김치찌개 주세요. 주세요. 이 스트라스타 사례니까 그냥 ठीक है. अब मैं आपको इसकी थोड़ी थोड़ी ट्रांसलेशन बताता हूँ, क्योंकि इसमें ग्रामर का पार्ट भी होता है. और कल भी मैंने आपको बताया था कि करना इस तरह है कि जब मैं आपको दोनों ग्रामर्स पढ़ा लेता हूँ ना, उसके बाद जो कि हमारे पास टाइम नहीं होता. मॉर्निंग में भी ऐसे होता है, इवनिंग में भी ऐसे होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम ये वाला डायलॉग थेवाइल और थेवाई को दोबारा दोहराएं. तो आप ग्रामर पढ़ने के बाद आपको ये आराम से समझ आ जाएगा. ग्रामर और वोकेबलरी पढ़ने के बाद ये आपको आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है? तो इसको घर जाके आप प्रैक्टिस किया करें. मेन चीज़ जो है ना वो थेवा है. लेकिन उसी के अंदर वोकेबलरी इस्तेमाल हो रही है, उसी के अंदर ग्रामर इस्तेमाल हो रही है, और उस सारे सब चीज़ों को मिला के थेवा बनती है, कन्वर्सेशन बनती है. तो इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इस दफा मैं कोशिश करूंगा कि पेपर में आपको थेवा कभी कोई किसी किस्म का बना के डायलॉग वगैरह तो पेपर में दूंगी, क्योंकि ये मेन मकसद हमारा कोरियन लैंग्वेज सीखना है, ऐसे ही है ना? और कोरियन लैंग्वेज में हमसे कोई ये तो नहीं पूछेगा कि ओसो कहाँ पे लगेगा, आसो कहाँ पे लगेगा, आयो कहाँ पे लगेगा, ओयो कहाँ पे लगेगा. वो हमें इस तरह की थेवा देंगे, तो हमें उसमें से चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी, समझ आइए? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मैं रोजाना इसको पढ़ा लेता हूँ, आपको ट्रांसलेशन भी बता देता हूँ, लेकिन पूरे चैप्टर में आगे जाते जाते वापस मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं आपको दोबारा से ये करवाऊँ, ठीक है? तो कुछ चीजें आपको मैं साथ साथ इसके स्टार्टिंग में करवा लेता हूँ. छोनून छोनून फिबिम फाबुल फिबिम फाबुल मोगुल लेओ. मोगुल लेओ छोनून का मतलब हो गया मैं फिबिम फाप. एक उनके खाने का नाम है, डिश का नाम है. उल मैंने आपको बताया था इसको याद रखने के लिए, आपने को उर्दू का को होता है ना, पानी को, रोटी को, इस तरह फिबिम फाप उल फिबिम फाप को मोगुल लेओ खाना है. मोगुल लेओ खाना है. ये आज आपको मैं ग्रामर समझाऊंगा कि ये क्या चीज है. थे फाइल के बाद हम यहाँ पे देखते हैं ओसो उसेओ. इसका मतलब होता है वेलकम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको रट लेना चाहिए इसको. ओसो उसेओ का मतलब क्या होता है? वेलकम. वेलकम. म्योत बुन इसेओ. म्योत का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? म्योत म्योत का म्योत का कितने, और बुन इसेओ, बुन जो है साहब. बुन को उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें तो क्या, कितने साहब. म्योत बुन इसेओ, आप कितने लोग हैं, कितने लोग हैं साहब. मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ना कि ये इज्जत के साथ बोला जाता है, अदब के साथ जब बोला जाता है बुन लगाते हैं. अदरवाइज हम क्या लगाते हैं? म्योंग लगाते हैं. क्या लगाते हैं? म्योंग लगाते हैं. तो म्योत बुन इसे हो, आप कितने साहब हैं, यानी आप कितने लोग हैं. ये क्या हुआ है, ये एक्चुअली ये देखें, आप इसको पिक्चर को देखें तो ये दो बंदे आए होटल में बैठने के लिए. ये देखें ना पीछे मेन्यू लगा हुआ है, डिशेज के नाम लिखे, और ये वेटर बड़े वो अदब के साथ उनसे पूछ रही है, बातचीत कर रही है. तो ये नक्शा आपके जहन में होना चाहिए, फिर आपको इस कन्वर्सेशन की समझ आएगी, ठीक है? ये दोनों बंदे होटल में बैठे हुए खाना खाने के लिए गए, तो सबसे पहले छुंगो पान ने उनका इस्तकबाल किया है. छुंगो पान किसको बोलते हैं? वेटर को. किसको बोलते हैं? वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है? वेटर को छुंगो पान. ओसो उसे हो, किसी भी होटल में जाए तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि सबसे पहले आपको वेलकम किया जाता है. क्या किया जाता है? वेलकम किया जाता है. और वेटर की सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि ये कितने बंदे हैं, दो ही हैं या पीछे भी लाइन आ रही है पूरी, ऐसे ही होता है ना. तो सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं? म्योत बुनी से हो, आप कितने साहब हैं, आप कितने लोग हैं. साहब में आपको वहां पे लगता बड़ा अजीब है इस फिक्रे में, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि बुन वो वेटर ने कस्टमर को एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट देनी है. देनी है कि नहीं देनी? तो वो यहाँ पे बुन लगेगा, ठीक है? म्योत बुन इसे हो, आप कितने लोग हैं साहब हैं. तो अब ये थुआन और रेहान दो बंदे होटल में गए हैं. कौन कौन? थुआन भी और हैं,
रेहान भी, तो थुअन कह रहा है थुम योंगी ये यो, हम कितने लोग हैं? दो बंदे हैं। अब यहाँ पे बुन लगा हुआ था और यहाँ पे इसने म्योंग इस्तेमाल किया है, काबिले गौर बात है। क्यों? कि इसने ये इसने अल्टीमेटली जो है वेटर ने बुन ही इस्तेमाल करना है, उसने एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट से बात करना है, लेकिन जो कस्टमर होते हैं वो वेटर के साथ बहुत ज्यादा उनको अदब से बोलने की जरूरत है नहीं है, तो वो नॉर्मल एक बात है, इसमें कोई बदतमीजी नहीं है। थू म्योंग ये यो, हम कितने लोग हैं? हम दो लोग हैं। अच्छा फिर क्या पूछ रहा है ये? छारी इसोयो, छारी बोलते हैं जगह, सीट, कोई खाली जगह है, कोई खाली सीट है। छारी इसोयो है, वहां पे क्या कोई जगह है खाली? छुगो कौन क्या जवाब दे रही है? ने इसोयो, इसका मतलब क्या होगा? ई चुकरो अंज से हो, ई चुकरो अंज से हो। ई चुकरो का मतलब क्या होता है? ई का मतलब मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था क्या? दिस, दो भी होता है और दिस। चुकरो, उरुंचोक और विंचोक हमने पढ़ा है। उरुंचोक किसको बोलते हैं? दाएं तरफ। विंचोक किसको बोलते हैं? बाएं तरफ। तो चुक का मतलब होता है तरफ, उरुंचोक दाएं तरफ, विंचोक बाएं तरफ, तो इसका मतलब चुक का मतलब क्या हो गया? तरफ। तो ई चुकरो इस तरफ, अंडरस्टैंड? ई चुकरो का मतलब क्या हो गया? और ये रो भी हमने पढ़ाया ना कि नहीं पढ़ा अभी तक? कल मैंने पढ़ाया था तेरहवें चैप्टर में, रो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कि आज नहीं पढ़ा, ये मेरे ख्याल में आज पढ़ेंगे, ठीक है, ये आज होगा। ई चुकरो इस तरफ अंज से हो, बैठ जाइए। अब ये है ई चुकरो की समझ आ गई? अंज से हो, सेओ वाला जो मैंने आपको बताया था कि सेओ वाला जो स्टाइल है ये पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, बैठिए, आइए, जाइए, खाइए, ठीक है। अब मैं आपको अंथा बताता हूं, बैठने की जो नॉर्मल जो स्टेम है जिसको खीबुन ह्योंग बोलते हैं वो क्या है? वेट अ सेकेंड, ये है अंथा, ऐसे ही है ना। अब इसको हमने सेओ वाले स्टाइल में बनाना है तो हमने उसकी ग्रामर पढ़ चुके हैं, दा को तो हमें हटाना ही हटाना है, जिसके साथ फाचिम होता है नहीं होता उसके साथ हम खाली चुप सेओ लगा लेते हैं, जहां पे फाचिम होता है वहां पे मैंने आपको क्या बताया था? उ सेओ लगता है, बताया था कि नहीं बताया था? उ सेओ लगेगा। तो पहले ये अंथा पढ़ा जा रहा था, अब अन पढ़ा जाएगा और जीत को जगह मिल गई ऊपर खाली, क्योंकि ईओं की कोई साउंड नहीं है, तो ये जाके यहाँ पे पढ़ा जाएगा, तो ये बनेगा अंज सेओ। क्या बनेगा? अंज सेओ। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता इस ग्रामर का, इस रूल का पता नहीं होता, तो वो पता है क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अंचु सेओ, पढ़ाया था आपको मैंने, अंचु सेओ, अंचु सेओ, ये क्या हुआ? अंचु सेओ, अंज सेओ होता है, चूसे हो का मतलब तो हमने पढ़ा दीजिए, तो अन चूसे हो, अन दीजिए, ये तो कोई बात ना हुई ना। तो ये आपको प्रॉपर इसकी प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए कि ये एक्चुअली है क्या, इसको अंता होता है और आगे ई से हो लगता है, तो जी ऊपर जाके बनता है, तो अंज से हो, पढ़िए एक बार। तो ई चुकरो अंज से हो का मतलब क्या होगा? इस तरफ बैठ जाइए, उसने कोई खास टेबल की तरफ इशारा किया होगा कि इस तरफ आ जाइए, होता है ना ऐसे। तो चुक समझ आ गए कि चुक क्या चीज होती है? मो थ्रिल कायो, मो का मतलब होता है क्या? थ्रिल कायो, ये भी आज हम ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये भी नहीं ना पढ़ी, मो थ्रिल कायो, क्या लेना चाहेंगे, क्या क्या खाना चाहेंगे, क्या लेना चाहेंगे, इसको मैं ग्रामेटिकली मजीद समझाऊंगा। पहले थुआन बोला था कि हम दो बंदे हैं, जगह है, अब दूसरा दोस्त बोल रहा है उसका रेहान, छो नुन फिबिम फप मोगल ले, मैंने क्या खाना है? फिबिम्बाप खाने हैं, छोनुन फिबिम्बाप मोगल ले, ये भी आज ग्रामर में पढ़ेंगे, ये वाला, ये रो मैंने पढ़ा दिया, हाँ ये तो सिंपल है। इस तरफ ओदीरो खायो, चिबरो खायो, फेसारो खायो, फाचिम होगा तो उरो होगा, फाचिम नहीं होगा तो रो होगा, हाँ तो लिखा हुआ ना, फिर हम ही परेशान कर देते हैं कि नहीं पढ़ाया आपने। इसको आप प्रैक्टिकली यूज करें, प्रैक्टिकली बोल के देखें, यूनसुफ करें, यूनसुफ, हाँ तो की तरफ है ना, तो ये देखें, ई चुक इस तरफ रो, ये भी तरफ ही बनता है, ई चुक रो इस तरफ बैठ जाइए, समझ आई मेरी बात की? ओके अच्छा आगे आ जाए, छोनुन फिबिम पाप मोगल ले, मैंने क्या खाना है? फिबिम पाप खाने, ये किसी डिश का नाम है, आपको आगे चल के बताएंगे। थुआन शीनून मो मोगल ले, अपना बता दिया रेहान ने, अब थुआन से पूछ रहा है कि आपने क्या खाना है, आपने क्या खाना है, क्या
छोनुन पढ़िए छोनुन किमची चिगे मोगुल लियो मैंने क्या खाना है किमची चिगे खाना है। अब रेहान जो है वो वेटर को क्या बता रहा है क्रोम तो फिर क्रोम का मतलब क्या होगा तो फिर योगी यहां इस टेबल पे योगी फिबिम्पा हागो हागो का मतलब क्या था दो मतलब मैंने आपको बताए थे बल्कि एक तीसरा भी है हागो का मतलब था एंड दो या दो से ज्यादा चीजों को इकट्ठा गिनना हो इंसानों को तो हम बीच में क्या लगाते हैं हागो लगाते हैं और के साथ टुगेदर विद के साथ भी लगाते हैं। और तीसरा आज मेरे जहन में आ रहा था कि ये जो हादा होता है हादा का मतलब क्या होता है करना तो इसके साथ भी हागो लग सकता है ना हागो शिप हो उन्दोंग हागो शिप हो वो भी हागो बन सकता है। तो हागो के दो तीन मतलब बनते हैं ठीक है अच्छा फिबिम्पाप हागो में फिबिम्पाप और सॉरी क्रोम योगी फिबिम्पाप हागो खिमची चिगे चूसे हो तो फिर यहां पे फिबिम्पाप और खिमची चिगे दे दीजिए किसको बोल रहा है वेटर को बोल वेटर को बोल रहे हैं समझ छुंगो बोन को किसको छुंगो बोन को बोल रहे हैं कि हमें ये दे दीजिए समझ आई इस पूरी कहानी की छुंगो बोन। और ये आप भी जब होटल में जाएंगे तो इसी तरीके से आपने बात करनी है पहले आपको इस्तकबाल किया जाएगा और ये बड़ी अच्छी बात है कोरियंस के अंदर के वो फॉरनर हो या कोरियन हो वो इसी तरीके से आपका ओसो उसे बोलते हैं म्योतबोनी से हो बिल्कुल सेम ही होता है तो वो जगह वगैरह उसके बाद ऑर्डर देने का तरीका ये देखे ना ये प्रैक्टिकली आपको सिखाई जा रही है चीजें कि आपने क्या करना है इसलिए हाँ बोलो डिश का नाम इसोयो ओबसोयो बस इसोयो या इसोयो वो कहेगी इसोयो है नहीं कह अगर नहीं है तो कोरियन होटलों पे तो नहीं होती आप भाप कह सकते हैं वो आपने खाने वाला चैप्टर पढ़ा है जिसमें कोरियन खाने हाँ बस ठीक है बस ठीक इसमें सारी बातें आएंगी वो भी कोई दोहराने की जरूरत है मैं पढ़ लेता हूँ और थोड़ा ट्रांसलेशन आपको करवा देता हूँ क्योंकि आप पढ़ के आए होंगे ठीक है ना ओवी इल शिकतांग शिकतांग किसको बोलते हैं रेस्टोरेंट को छारी का इत्ता छारी बोलते हैं सीट को जगह को गा हेल्पिंग वर्ब है इत्ता है इत्ता इत्ता जब सेंटेंस में इस्तेमाल होगा तो कैसे होगा इसोयो ओबसोयो ऐसे होगा ना छारी इसोयो सीट है छारी ओबसोयो ऐसा क्या होगा सीट नहीं है उसके बाद है छारी गा ओपता मेरे साथ पढ़े छारी गा ओपता सीट नहीं है सीट्स नहीं है मेन्यू फन मेन्यू मेन्यू तो मेन्यू हो गया फन यानी वो एक किताबचा सा बना होता है छोटा सा एक बुकलेट सा बना होता है जैसे यहाँ पे भी होता है जिसमें जैसे जो बड़े होटल्स होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े मेन्यू होते हैं वहां पे अक्सर मेन्यू फन होता है इसको क्या बोलते हैं मेन्यू फन। अच्छा खाली इस तरह का मेन्यू भी होता है छोटे मोटे जो छोटे छोटे होटल होते हैं जिनकी दो चार आइटम ही होते हैं तो ऐसे पाकिस्तान में भी है ठीक है ना तो इसको खाली क्या बोल सकते हैं आप मेन्यू साथ प्राइस भी लिखी हुई है। अच्छा उसके बाद ये है फप क्या है फप और ये देखें ये पके हुए हैं कच्चे चावलों को फप नहीं बोलते ठीक है जब चावल पक जाते हैं तो कोरियन में उसको क्या बोलते हैं फप फप चावल को भी बोलते हैं और ओवरऑल खाने को भी फप बोलते हैं कोरियन जैसे हम कहते हैं ना हाँ जी खाना खा लिया मैंने आपको पहले बताया था वो बेशक उसने कड़ी खाई हो लस्सी खाई हो अंडा खाया हो कुछ भी खाया हो तो वो खाना कहलाता है ना तो ऐसे कोरिया वाले भी जो है ना खाने के लिए जो खाने की बात होती है फप इस्तेमाल करते हैं क्या करते हैं फप और स्पेसिफाई ये चावलों के लिए पके हुए चावलों के लिए इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं आप ठीक है। उसके बाद है फानछन क्या है फानछन फानछन का मतलब क्या होता है साइड डिशेस फानछन आज दिखाते हैं आपको कोरिया की फानछन दिखाई थी आपको पहले दिखाई थी ना तो फिर जरूरत नहीं है फानछन आपने देखी हुई है तो इसको फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है फानछन क्या चीज है। तो ये बहुत सारी होती हैं कोरिया में क्या होती है चावल देखे ना बिल्कुल छोटे से बाउल में एक ही होता है छोटा सा मांगना चाहें तो और भी मांगे तो दे देते हैं होटल वाले लेकिन कोरियन वुमन ये थोड़े से चावल खाते हैं उसकी वजह क्या होती है ये देखो ये एक मछली पड़ी हुई है ये अंडा पड़ा हुआ है और ये भी बहुत सारी साइड डिशेज पड़ी हुई हैं तो ये सारी चीजें खा के तो चावल इतने भी नहीं खाए जाते हमारे लोग जो कहते हैं ये चावल तो मेरे एक लुकमे का एक ही मेरा लुकमा है ऐसे नहीं होता उनकी फानछन बहुत ज्यादा होती है और वो हमसे ज्यादा खाना खाते हैं कोरियन कम खाना नहीं खाते खाना अच्छा खासा खाते हैं वो उसके बाद है सुत कारक इसको सुत बनता सुत है ना सुत कारक तो इसको सुत की ते को ज्यादा जो है ना वो जाहिर नहीं करना
सुखकारक, सुखकारक ठीक है, हाँ सुखकारक किसको बोलते हैं, चम्मच को। और जो चॉपस्टिक्स हैं उसको क्या बोलते हैं, छोतकारक बनता है तो छोपकारक क्या बनेंगे, ते ऑलमोस्ट साइलेंट होता है, बॉटम में आता है ना, तो इसलिए इसको ज्यादा क्लियर नहीं करना, छोतकारक सुतकारक इस तरह नहीं बोलेंगे ठीक है, छोपकारक सुखकारक ठीक है। तो ये छोपकारक आपको सीखनी आनी चाहिए ना, कोरिया के अंदर जो है ना, मैंने आपको पहले भी शायद बताया हो कि खाने चूंकि बहुत गर्म होते हैं, हम लोग तो हाथों से खाना खाते हैं क्योंकि हमारा खाना भी ऐसा ही होता है कि वो हाथों से खाया जा सकता है, कोरिया के खाने हाथों से खाए इसलिए ना जा सकते कि उनके सूप ज्यादा होते हैं, उनके खानों में सूप और ज्यादा चीज, और उनके टेबल के ऊपर ही उनके स्टोव लगे होते हैं, बाज दफा वो इतना गर्म खाना होता है कि बाज डिशें उनकी ऐसी हैं जैसे आप अगर सोख होगी खाने के लिए चले जाएं, यानी गाय का गोश्त खाने के लिए चले जाएं, या थेजिक होगी पोर्क खाने के लिए चले जाएं, तो वो स्टोव होता है टेबल के अंदर लगा हुआ, तो वो टेबल के अंदर वो आग जला के उसके ऊपर उन्होंने तवा रखा होता है, आप ऑर्डर करें मैंने ये खाना है, वो पतले पतले उसके स्लाइस बना के वो कच्चा ही आपके सामने आके रख लेंगे, तो आप उसको जैसे हम छुपकारक से मुंह के अंदर जो है ना गर्म गर्म खाना बर्दाश्त हो जाता है, हाथों से बर्दाश्त नहीं होता, उनकी आदत भी है, तो ये छुपकारक की एक रीजन ये भी है, और वैसे भी वहाँ चाइना जापान कोरिया में ये बहुत आपको पता है कि कॉमन है, तो ये इसका उनको बड़ा एक्सपीरियंस होता है, और कुछ कोरियंस भी होते हैं, मेरे कुछ कोरियन दोस्त बताते थे कि कुछ कोरियंस भी होते हैं जिनको ये ऑपरेट करना नहीं आती, चलानी नहीं आती, इस्तेमाल करना नहीं आती, तो ये मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, हमारे लिए सर ये मुश्किल है ना थोड़ा सा, लेकिन ये है कि ईजी होता है, आपने देखा हुआ इसको खाना खाते हुए चाइनीज कोरियन को देखा हुआ इसके साथ, तो वो इसके साथ खाते हैं, और उनके खाने चूंकि गर्म बहुत होते हैं और वो एक्सपर्ट बड़े होते हैं, उन्होंने चावल का एक दाना भी पकड़ना होगा ना उसे, फॉर एग्जाम्पल किसी प्लेट में चावल का एक दाना है तो वो उसे पकड़ लेते हैं, ऐसे करते हैं, तो वो ऐसी उनकी प्रैक्टिस बनी होती है, जाहिर है कुछ चीज़ें हमारे अंदर नहीं होती, वो उनके अंदर है, उनके लिए इजी है ज्यादा, वो मैं आप अपनी आंखों से देखेंगे कि वो चम्मच जो होता है ना स्पून, एक्चुअली वो सूप शूप पीने के लिए उन्होंने रखा होता है, वो चावल भी छुपकारक से खाते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ, चावल भी, और मुश्किल नहीं होता, मैं भी खा लेता हूँ, आप भी खा लेंगे ठीक है। अंथा बोलिए, अंथा बोलते हैं सिट बैठने को, और ये जब जुमले में इस्तेमाल होगा तो अंजायो आयो होगा इसी साथ ठीक है। खोरुदा क्या है, खोरुदा इसका रूल 2-3 क्लासों में ये बड़ा मसला होता है, ये मैंने आपको रियल का बताया था कि ये रियल फुलकियो चिकन इसमें चेंज होगा, नहीं बताया था रियल को जब हम आयो और ओयो में चेंज करें, बताया था ना, एक दफा दोहरा देता हूँ, खोरुदा का मतलब होता है टू पिक, पिक करना ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, चलो एक दफा और बता देता हूँ, खोरुदा, अब खोरुदा तो डिक्शनरी में स्टेम है ना, हमने इसको जुमले में इस्तेमाल करना है, कोई भी चीज़ हो हमने उसका स्टेम भी याद रखना है, उसका स्टेम क्या है, क्योंकि स्टेम से हमें ग्रामर समझ में आती है, हर जगह पे आपको स्टेम का पता हो ना कि इस वर्ड का स्टेम क्या है, तो फिर आपको वो ग्रामर में इस्तेमाल करना आसान होगा, तो सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करना है उसका भी आपको पता होना चाहिए। अब हाँ ये देखें, मैं बताता हूँ, अब स्क्रीन पे देखें, मेन स्क्रीन पे देखें, आ जाइए, क्या तभी खोरुदा, इसको हमने क्या करना है कि इसको हम चाह रहे हैं कि सेंटेंस में इस्तेमाल करें, तो मैंने एक फुलक्योचिक आपको बताया था, फुलक्योचिक वो सेंटेंस वो जुमले होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो इररेगुलर होते हैं, जिनके लिए अपने अपने रूल्स होते हैं, जिनके क्या होते हैं अपने रूल्स होते हैं, इसी तरह रियल का, रियल के साथ अ आ जाए तो इसका भी अपना रूल है, अब देखिएगा खो रु ये लिखा हुआ ना, दा तो हट जाएगा ना, तो हमने रूल पढ़ा था कि अगर कोई इस तरह का वर्ड आ जाए जिसके साथ रियल के साथ उ लगाओ, रियल के साथ उ लगाओ, तो वहां पे हमने उ को खत्म कर देना है, उ को क्या करना है खत्म कर देना है, और उसकी जगह हमने एक इंसर्ट करना है रियल, सेम रियल, और उसको फाचिम बना देना है, ये मैंने कल पढ़ाया था और मेरी वीडियो में भी मौजूद होगा ठीक है। खो यहां पे एक नीचे आ जाएगा और एक आगे ये आ जाएगा, अब हमने देखना है कि इसके साथ आयो लगेगा या ओयो लगा, अब लास्ट वॉवल कौन सा बनता है, ये बनता है, तो इसके साथ क्या लगेगा आयो, बस खुल लायो, क्या बनेगा खुल लायो, समझ आ गई मेरी बात की, और ये हमेशा जो है ना रियल वाले जितने भी होते हैं ना ये ला ही बनेंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, रू जहां पे भी होगा वो ला में ही चेंज होगा, यानी कि दो रियल मिलके आ ला बन जाएगा,
कोई मतलब इससे इससे और क्या बन सकता है मुझे बताएं, कुछ भी नहीं बन सकता। जैसे खुल लायो बन सकता है, खिल लायो बन सकता है, पीछे से ये वाली चीज चेंज हो सकती है, ये वाली आगे से ये ला ही बनेगा, ठीक है। ओके अच्छा अब हम जाते हैं, पेज नंबर बताएं इनको, खुल लायो हो गया, खोरुदा पिक करना, उसके बाद है शिक्षीदा। शिक्षीदा का मतलब क्या होता है, ये ऐसे में ये रेस्टोरेंट के अंदर की सारे चीजें हैं, ये देखिए फान छान सुकर ये सारी चीजें रेस्टोरेंट के अंदर इस्तेमाल होने वाली है, ठीक है ना। बैठना, ये रेस्टोरेंट के अंदर आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ सकती है, कौन कौन सी बातों की जरूरत पड़ेगी, वो सारी हैं। अब मेन्यू से आपको वेटर आपको बोलेगी कि इसको खुल्ला चूसे हो, पिक करके बताए आपने क्या खाना है, खुल्ला चूसे हो, खोरू से हो, इस तरह भी बोल सकती है, खोरू से हो। शिक्षीदा का मतलब होता है ऑर्डर करना, क्या करना, ऑर्डर करना। छुमन हादा का मतलब भी क्या होता है, ऑर्डर करना। आप किसी खाने का ऑर्डर करते हैं तो कैसे बोल सकते हैं, शिक्षीदा छुमन हादा। और इनको भी जब हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए शिक्षीदा किसमें चेंज होगा, शिक्षीदा दा हट जाएगा। अब आयो ओयो लगाना है तो क्या बनेगा, ई के साथ मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा क्या लगाना है, लगता तो ओयो ही है, क्या लगेगा, ओयो। लेकिन जब ई और ओ आपस में मिल जाते हैं तो ये एक बन जाता है, मैंने आपको बताया था कि इसको हमेशा याद रखना है आपने, जब भी कोई भी वावल ऐसा आ जाए ना एंड पे वावल ई आ जाए तो उसको आपने ये यो बना देना है, शिक्षियोयो। माशीदा पढ़ा था ना, माशीदा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, माशीदा से माशियोयो बना था, माशीदा ये देखो माशीदा, माशीदा था ना, तो माशीदा से माशियोयो ये बना था। तो जहां पे भी वर्ब हो या एडजेक्टिव हो उसके एंड के ऊपर ई वावल आए, कौन सा इजाक है, ई वावल आए तो उसको आयो ओयो में चेंज करेंगे तो डायरेक्ट आप याद रख लिया करें, ज्यादा लंबे चौड़े चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं कि वो यो में चेंज हो जाएगा, किसमें, यो में। ये पढ़ाई हुई चीजें हैं, ठीक है। शिक्षियोयो क्या बन जाएगा, शिक्षियोयो। और उससे फिर फर्दर हम पास बनाना चाहें तो शिक्षियोसोयो, मैंने ऑर्डर किया। छुमुन हादा, हादा किसमें चेंज हो जाता है, हेयो में या हिस्सोयो में, गुड। फेदल हादा डिलीवरी देना, फेदल हादा क्या होता है, डिलीवरी देना। तो ये सारी चीजें जो है वो रेस्टोरेंट से मुतल्लिका थी, ठीक हो गया। अच्छा अब हम ग्रामर स्टार्ट करते हैं, क्या करना होता है, समझना होता है, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। लेओ और उल लेओ हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रियल लेओ और उल लेओ। ये आगे आपको चल के बताता हूं ये कौन से सेंटेंसेस में लगता है, कल भी आपको बताया था, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हम उर्दू में बोलते हैं, दो मिसाले दूंगा आपकी समझ में जो भी आ जाए, ठीक है। अभी देखिए जो वेटर आई थी उसने आगे सबसे पहले पूछा था, वेलकम किया था इन दोनों से, और वेलकम करने के बाद उसने क्या कहा था, मोथरिल कायो, ठीक है, आपको क्या खाना है। तो फिर इन्होंने जवाब में क्या बोला था, एक ने बोला था कि मैंने फिबिम्फाप मोहल ले, क्या बोला था, एक ने कहा था कि मैंने तो फिबिम्फाप खाने हैं, मैंने तो क्या करना है, फिबिम्फाप खाने हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि आप अपना इरादा बताएं, आप अपना क्या बताएं, इरादा बताएं कि आपने क्या करना है, मैंने तो ये करना है, मैंने तो वो करना है। एक दफा मैं ये पढ़ के फिर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। थुंगसा थी ये बुछोसो मरानन सारा में ईसा, ठीक है, ईसा मतलब उसका इरादा, उसकी नीयत, उसकी ख्वाहिश। रुल नथा नेगोना थिन्नन सारा में ईसा रुल मुरुल ते सायोंग हंदा छुरु छिनन साराम हागो ख्योक्षी गोप्षी यागी हलते सिंदा। अगर आप अपना इरादा किसी को बताएं, क्या बताएं, अभी लिखना नहीं है, इसको फाइनलाइज करके लिखेंगे, जब आपको समझ आ जाएगी फिर आप उसको शॉर्ट करके लिखा करें, ठीक है। अपना इरादा किसी को बताएं या किसी से उसका इरादा पूछें, मैंने तो चावल खाने हैं, आपने क्या खाना है, आप कहेंगे मैंने तो बिरयानी खानी है। तो ये जो ना है हम बोलते हैं ना, ठीक है, या इसको आप डिटेल में बोलते कि मेरा, नीचे मिसालों से समझ आएगी, नहीं समझ आएगी आपको, है ना। अपनी नीयत जब आप किसी को बताते हैं, करना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं कल छुट्टी करना चाहता हूँ, तो इसहाक मुझसे पूछता है सर आपने कल क्या करना है, कल क्या करना है, ये ना है जो मैं बता रहा हूँ ना, यही लेवा है, यही लेवा है, ठीक है। आपने कल क्या करना है, मुझसे मेरा इरादा पूछ रहा है, मुझसे क्या पूछ रहा है, मेरा
इरादा पूछ रहा है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, हिसाब को मैं कहूंगा कल तो मैंने छुट्टी करनी है, कल तो मैंने छुट्टी करनी है। ये ना है और नी है जो हम उर्दू में बोलते हैं ना, इसको कोरियन लैंग्वेज में लेओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियत, इरादा। जब मैं थोड़ा वॉल्यूम अप करके आपको समझाता हूँ तब जाके आपको बात समझ आती है। यही बात मैंने मीठे अंदाज में भी आपको समझाने की कोशिश की है। समझ आ गई? मैंने पहले आराम आराम से समझाया कि देखते हैं कि ये पिक करते हैं कि नहीं करते। सारे चुप हो गए आप, ठीक है? और एक दो मिसालें ले लेते हैं। अब आपको मिसाल दें, अच्छा आपको मिसाल दें। मैंने तो रेस्ट करनी है, मैंने तो क्या करना है, मैंने तो रेस्ट करनी है। ये जो नी है, ना है, ने है, ये इसको कोरियन में लेओ बोलते हैं। अंडरस्टैंड? नहीं समझे? अलीम आपको मिसाल दें। मैंने स्विमिंग पूल जाना है। अब आते हैं मिसाल, अब इनकी मिसालों के ऊपर आ जाए। अलीम समझ आ गई? साहब समझ आ गई? तो इसको आपने ना है के साथ कोई और चीज भी लिख लें, ये नों के बाद में आप इसको समझ, लहजा जो होता है ना लहजा, उसको लिखना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको सही बात, ये जो लहजा है ना, ये इन्होंने भी यही चीज लिखी हुई है, ये सारे सेंटेंस लिखे हुए हैं। इस लहजे को डिस्क्राइब करके लिखना बड़ा मुश्किल है, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रैक्टिकली। अभी जो मैंने आपको समझाया ना, आपकी समझ में आ रही है, अब इसको अपने अल्फाज में लिखे कि मैंने क्या, ना है की जगह कुछ और भी कर सकते हैं। मोगुल लेओ छोनुन भीबिम फाबुल मोगुल लेओ, मैं भीबिम फाप खाना चाहता हूं, ये भी लगा सकते हैं आप। लेकिन चाहता हूं के लिए हमारे पास और भी, चूंकि कोरियन हमने पढ़ा है, गोशिप होयो, गोशिप होयो पढ़ा था ना हमने, खा गोशिप होयो भीबिम फाप मुकोशिप होयो, आपने शायद ना पढ़ा हो, ऐसा लोगों ने पढ़ा है। तो उसके लिए चाहता हूं के लिए, तो चाहता से बेहतर है कि आप ना है वाला लगाएं। मैंने तो ये करना है, मैंने तो वो करना है, मैंने तो सोना है, मैंने तो खेलना है, तो ये अपना इरादा। और अगर किसी से भी उसका इरादा पूछें, हाँ इसहाक आपने क्या करना है, आयशा आपने कल क्या करना है, अलीम आपने कल किधर जाना है, तो ये ना है, ना है इसके साथ आप ब्रैकेट में लिखने कि अपना इरादा पूछना, अपना इरादा बताना, या किसी से उसका नियत इरादा पूछना। फाचिमी ओपकोना रियल फाची मिलते लेओ, इस रियल और लेओ लगाना है। ध्यान से स्क्रीन पे, मेन स्क्रीन पे देखें, मेन स्क्रीन पे देखें, पहले इसको समझें बाद में लिखिएगा। किसी भी वर्ब के साथ लगता है, ये किसके साथ लगता है, वर्ब के साथ ही लगता है ना, खाना है, जाना है, आना है, ये सारे वर्ब हैं, वर्ब के साथ लगता है। और अगर उसके साथ फाचिम ना हो, फाचिम ना हो, तो हमने इस तरह बॉटम में एक रियल लगा के तो एक ऐसे लेओ लिखना है, लेओ हमने लेओ बनाना है, ठीक है। और अगर ऑलरेडी एक फाचिम है, कौन सा, रियल, तो हमने सिर्फ खाली ये वाला लेओ लगाना है। रियल हो तो फिर हमें दूसरा रियल लगाने की जरूरत नहीं है, तो हारी लेओ लगा लेंगे। बात आपको मिसाल से ज्यादा बेहतर समझ आऊंगा मैं आपको। फिर अगर फाचिम कुछ भी नहीं है, तो हमने दो रियल लगाने पड़ेंगे, एक इधर एक इधर, ये आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। अलबत्ता नीचे क्या लिखा हुआ है, रियल छेवे हान, रियल छेवे हान, यानी रियल को छोड़कर, इसके अलावा फाचिमी इसलते उल लेओ, रियल के अलावा जितने भी होंगे उनके साथ हमने उल लेओ लगाना है। समझ आई मेरी बात की? अच्छा अब ये है कि हम करते हैं इसको, ये साफ हो जाता है, बहुत अच्छा होता है ये साफ। चलें एनीवे, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले क्या है, छमशिम मो मोगुल लेओ। छमशिम किसको बोलते हैं, दोपहर को, जब इसके साथ मुकदा का नाम आ जाए तो फिर दोपहर के खाने की बात, यानी कि लंच की बात हो रही है, ठीक है। छमशिम मो मोगुल लेओ, दोपहर में क्या लेंगे, दोपहर में क्या खाना है, अपने अंदाज में हम कहें तो क्या, दोपहर में आपने क्या खाना है, दोपहर में आप क्या खाना चाहते हैं, ये भी बन सकता है ना। लेकिन जो आप, मैंने आपको ना वाली मिसाल बताई है ना, ये ज्यादा फिट आती है इसके ऊपर। दोपहर में आपने क्या खाना है, अक्सर हम पूछते हैं, रोज एक दूसरे से हम पूछते हैं, आपने चार चाय पीनी है, पूछते हैं कि नहीं पूछते, आपने पानी पीना है सर, आपने खाना खाना है, क्या खाना है, किधर से खाना है। ये जो ना है, ना है, ये नी है, ये है लेओ, क्या हो गया, लेओ। अब इसको पढ़ें तो आपको देखने कितनी अच्छे तरीके से समझ आएगी। छमशिम मो मोगुल लेओ, लंच में क्या लेना है, खाने में क्या खाना है, अंडरस्टैंड। छोनुन फिबिम फप मोगुल लेओ, दूसरा बंदा क्या कह रहा है, मैंने फिबिम फप खाने हैं, मैंने, अंडरस्टैंड। दूसरा बंदा क्या कह रहा है, छोनियो के उरी खाची नुल लेओ, छोनियो बोलते हैं शाम को। अगर ये छोनियो के साथ मोक का लफ्ज लगा होता, क्या लगा होता, मोक, तो फिर किसकी बात हो रही होती, डिनर की,
अभी देखें छोने के साथ मौके की बात नहीं होती, बात डिनर की नहीं हो रही, बात शाम की हो रही है खाली। समझ आई मेरी बात की? छोनियों के उरी खच्ची, छोनियों के शाम में उरी हम, उरी किसको बोलते हैं हम, खच्ची एक साथ। खच्ची क्या बोलते हैं? ये खत्थी नहीं बोलना, इसको कैसे पढ़ना है? खच्ची, इसको खच्ची बोलते हैं। छोनियों के उरी खच्ची शाम को हम एक साथ नुल्लेओ खेलें। नुल्ला क्या होता है? खेलना, प्ले। तो शाम को हम एक साथ मतलब खेलना भी कह सकते हैं और घूमना फिरना भी कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप ग्राउंड में चले जाएं तो उसको नुल्ला बोलते हैं। घूमने फिरने को भी क्या बोलते हैं? पार्क में चले गए कहीं घूमना, घूमना फिरना जिसको हम कहते हैं उसको भी नुल्ला इस्तेमाल करते हैं। नुल्लेओ शाम को हम एक साथ उरी खच्ची नुल्लेओ, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? एक साथ शाम को हम एक साथ खेलें। तो इसमें भी ना है वाली हमने नहीं लगाई, वो भी लगा सकते हैं। तो इसमें आप दूसरे बंदे का इरादा पूछ रहे हैं, दूसरे बंदे का क्या पूछ रहे हैं, या इसको दूसरे लफ्ज में पूछना बताना चाहिए, ऐसे बोल सकते हैं कि शाम को हम एक साथ खेलने ना चलें, खेलने ना चलें, क्योंकि ये खेलनी है। क्या खेलना है? ये देखें, शाम को हम एक साथ खेलना है, एक साथ घूमना है, ना वाला लग गया ना बीच में। शाम को एक साथ खेलना है, दूसरे से इरादा पूछ रहे हैं। इसाक शाम को एक साथ खेलना चाहिए, खेलना चाहिए, चाहिए भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा सुटेबल ना वाला है, खेलना चाहिए वाले। हाँ, ये खेलना चाहिए, ये भी ठीक है। शाम को एक साथ है, खेलना चाहिए, दूसरे बंदे से आप राय पूछ रहे हैं, लेकिन आप ऐसे पूछ सकते ना, आयो, दूसरा बंदा क्या जवाब दे रहे हैं? छुआ आयो खच्ची नोरायो, खच्ची एक साथ घूमते हैं, एक साथ खेलते हैं, नुल्दा। इसका हमने बेसिक वर्ड क्या पढ़ा था? नुल्दा पढ़ा था ना, नुल्दा। इसका मतलब होता है प्ले, खेलना, घूमना फिरना। तो नुल्दा के साथ हमने जब लेओ वाला जुमला बनाना है, क्या बनाना है ध्यान से देखिएगा, नुल्दा के साथ हमने लेओ वाला जुमला बनाना है। तो चूंकि रियल इसमें ऑलरेडी मौजूद है, हमने कानून पढ़ा है कि अगर रियल हो तो फिर खाली खाली वो लगेगा, ये नुल लेओ। समझ आई? शाम को एक साथ खेलना है, ऐसे दूसरे बंदे से इरादा, उसकी ख्वाहिश, उसकी ओपिनियन, उसकी नीयत, क्या आया वो है, खेलेगा होगी भी कि नहीं खेलेगा, पूछते वक्त। समझ आई बात की? दूसरा, खच्ची नोरायो, ने खच्ची छुआ आयो, खच्ची नोरायो, ओके एक साथ खेलते हैं। अब इस बंदे नॉर्मल बात की है, इसने इरादा नहीं पूछा उसे, इसने नॉर्मल बात की है, खच्ची नोरायो, नुल्दा पड़ा था तो नुल्दा से आयो होगा या होगा, आयो नोरायो एक साथ खेलते हैं, ये एक नॉर्मल बात है। ये क्या है? इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक्सप्रेशन है ऊपर, ठीक है, कल के लिखे हुए उधर ही पढ़े। अच्छा, अब हम आते हैं नेल मो हल्लेओ। नेल आने वाले कल को बोलते हैं, मो किसको बोलते हैं आयशा? क्या हल्लेओ, कल हमें क्या करना चाहिए, कल हमें क्या करना चाहिए, ये भी फिट आता है। कल मैंने चाहिए पढ़ाया था क्लास में, हाँ कल चाहिए पढ़ाया था। नेल मो हल्लेओ, कल हमें क्या करना चाहिए, या कल हमने क्या करना है, कल हमने क्या करना है। इसके अंदर आप ये जहन में रखें कि आप अपना दूसरे बंदे से उसकी नीयत पूछ रहे हैं, उसका नीयत और इरादा पूछ रहे हैं कि उसका क्या प्रोग्राम है, उसका प्रोग्राम पूछ रहे हैं। नेल मो हल्लेओ, कल क्या करना है जी, ऐसे काशिफ कल क्या करना है जी, पूछते कि नहीं पूछते, ये वो चीज है। समझ आई मेरी बात की? नेल मो हल्लेओ, कल क्या करना है। दूसरा क्या जवाब दे रहा है? छोनोन जीवेसो शिल्लेओ, शिल्लेओ, ये देखिए मैंने लिख के उनको समझाया होगा, शिल्लेओ का क्या होता है, शीदा, बेसिक वर्ड इसका क्या होता है, रेस्ट करना, शीदा, क्या पढ़ा था, शीदा रेस्ट करना, तो दा हट जाएगा। तो अब हमने फाचिम नहीं है, इसका फाचिम है नहीं है, तो हमने इसको क्या लगाना है, रियल एक नीचे लगाना है और एक आगे लगाना है, और शिल्लेओ, शिल्लेओ क्या बनेगा, शिल्लेओ छोरुन चीवे सो शिल्लेओ, कि मेरा तो प्रोग्राम है घर पे रेस्ट करूं, या मेरा घर पे रेस्ट करने का इरादा है, या मैंने तो घर पे रेस्ट करनी है। समझ आई मेरी बात की? अलीन समझ आई? जहन में अभी तक नहीं बैठा आपके, है ना, करनी है, इन्होंने घर पे रेस्ट करनी है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ना है और नी है जो ज्यादा फिट आता है इसके ऊपर। 100% जो है ना ट्रांसलेट नहीं कर सकते लहजों को, ये मैं लहजे को ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया, ये देखें,
यहाँ पे इस मेन स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे कर्सर घूम रहा है, मोकदा क्या था, मोकदा था तो इसके साथ फाचिम था, बाकी के साथ तो हमने लेओ लगाया ना, तो जिनके साथ फाचिम होगा उनके साथ हमने इल लेओ लगाना है, क्या लगाना है, ये जो आपको पढ़ते हुए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी काशिफ, मोगुल लेओ, ये देखें कि अब ऊपर चला जाएगा और ये मोगुल लेओ पढ़ा जाएगा बोलने में, फाचिम होगा तो ये सारे सेम ही होते हैं, हमने इस तरह के बहुत सारे कानून पढ़े, फाचिम होगा तो उल्ले होगा, फाचिम नहीं होगा तो रियल, एक नीचे रियल पहले से है तो ठीक, नहीं तो हमने एक इधर लगाना है, ये देखें एक इधर लगाना है और एक आगे लगाना है, हमने ऐसे में हमें चाहिए दो रियल चाहिए, इस तरह दो रियल चाहिए ये बात बोलने के लिए, ये लहजा बनाने के लिए, तो यहाँ पे तो दो रियल, ये देखें यहाँ पे तो लग सकते हैं, यहाँ पे भी लग सकते हैं, यहाँ पे भी लग सकते हैं, यहाँ पे भी लग सकते हैं, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे दो रियल नहीं लग सकते क्योंकि पहले से खीक मौजूद है, तो वहां पे हमने उल्लेओ बनाना पड़ेगा, मोगुल्लेओ, अंडरस्टैंड, आगे चलें, अच्छा ये योनसुब आपने खुद करनी है, फानछन क्या है, फप क्या है, छोका रख क्या, आयशा इसको देख लें आप, ये छोका रख है मेन स्क्रीन पे, देखें मेन स्क्रीन पे ये छोका रख है, जो चॉपस्टिक जिसे कोरियन खाना खाते हैं, ठीक है, छोका रख बोलते हैं, और सुक्का रख, इसको क्या बोलते हैं स्पून को, सुक्का रख, ये इसको इसके साथ मिलाना है और इसको इसके साथ मिलाना है, ये आप यूनसुब घर जाके वर्ड्स मीनिंग याद करके देख लीजिएगा। अब ये जो प्रैक्टिस है ये फिर हमारी इसी ग्रामर की प्रैक्टिस में, ये इसलिए करवा रहा था कि आपकी ग्रामर मजीद जो है वो हो जाए। अब देखें हमने क्या कह रहे हैं, ध्यान से मेन स्क्रीन पे देखें, नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पे सही, थोड़ा बड़ा करूं, मेन स्क्रीन पे देखें तो फिर आपको, मैं जहां पे ये माउस चलाता हूं तो आपको पता होता है कि फोकस कौन सी जगह पे रहेगा, आप अपनी अपनी बुक पे लगे रहते हैं, इस तरह फिर फोकस नहीं रहता, वीडियो बन रही है आपने लिखना है तो वीडियो देख के लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं, जहां पे इंपॉर्टेंट बात होगी मैं आपको बोल दूंगा कि ये लिख लीजिए, क्रीमुल फुगो फुगी छुरम लेओ और उल्लेओ रुल सायोंग हेसो थेवा रुल वनसोंग हासियो, यानी लेओ और उल्लेओ लगा के हमने यूज करके हमने थेवा यानी कि कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है, वनसोंग हासियो कंप्लीट कीजिए, फुगी देखते हैं क्या है, ये कुछ पड़ा हुआ है बाउल में, बाउल को क्या बोलते हैं, ग्रत, क्या पड़ा था, ग्रत, मो मोगुल लेओ, आपने क्या खाना है, समझ आई मेरी बात की, आपने क्या खाना है, छोरुन फिबिम पप मोगुल लेओ, मैंने क्या खाना है, फिबिम पप खाने हैं, ना है और नहीं है फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा, अच्छा अब यहाँ पे लामियन, ये क्या है, नूडल्स, नूडल्स को कोरियन क्या बोलते हैं, लामियन बोलते हैं, तो हमने इस तरह के सेंटेंस बनाने हैं, पहले हमने क्या लिखा है, मो सेम उसी तरीके से मो मैं लिख रहा हूँ, आप देखिएगा, मो मोगुल लेओ, ये हो गया सवाल, अब हमने क्या करना है, इसका जवाब देना है, जवाब इसका कैसे होगा, मो मोगुल लेओ क्या खाना है, तो अगर मैं नूडल्स खाना चाहता हूँ लामियन तो कैसे बोलूंगा, छोनुन छोनुन लामियन लामियन उल भी लगा सकते हैं, उल भी लगा सकते हैं, मैं लामियन को, लेकिन उसके बगैर जैसे हम उर्दू में हम बोलते हैं ना, मैंने नूडल्स को खाना है, तो हम को नहीं लगाते, बाज दफा मैंने नूडल्स खाने हैं, ऐसे ही है ना, तो कोरियन में भी ये देखो यहाँ पे अगर उल लगाएं तो ये ग्रामेटिकली सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, छोनुन लामियन उल मोगुल कोयो, लेकिन वो अजीब लगता है थोड़ा सा, तो वो भी हटा देते हैं हमारी तरफ, ठीक है, छोनुन लामियन मो ले होगा या उल ले होगा, फाचिम आ गया तो उल ले हो, क्या होगा, उल ले हो, छोनुन लामियन मोगुल ले हो, मैंने क्या खाना है, मैंने नूडल्स खाने हैं, समझ आ गई, लेओ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जब आप अपना इरादा किसी को बताते हैं, अच्छा यहाँ पे कॉफी पड़ी हुई है तो इसी तरह से हम ऊपर क्या लिखेंगे, ओसो उसे हो, इनको क्या बोलना है, आपने खिजर साहब को क्या बोलना है, ओसो उसे हो, आज पढ़ा है ना आपने, क्या मतलब है इसका, मो मोगुल लेओ, मो मोगुल लेओ, अच्छा ये क्वेश्चन मार्क ऊपर है, ओ गुड, ये देखिए हाजिर दिमागी देखें इसहाक साहब की, ये चाय है कॉफी है, मो माशिल लेओ, हम कॉफी शॉप पे जाएंगे मोगुल लेओ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये कि जब हम बोलेंगे ना तो फिर हम उसको तो नहीं पता कि देखे ना हम गए कहाँ पे, नहीं बात आपकी सही है, आप भी सही करें, मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ मो मोगुल लेओ, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या खाना है, मैं होटल पे खाने की चीजें भी हैं और पीने की चीजें भी हैं, तो मैं कहूंगा मैंने खाना वाना कुछ नहीं है, मैंने कॉफी पीनी है, चाय पीनी है, इस तरह बोल सकते हैं ना, लेकिन आपकी बात सही है, चलो हम उस तरह बना लेते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि फोगी छोरम तो हमें उसको फॉलो करना चाह रहा था, तो आपकी बात भी सही है, पीने को माशीदा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माशीदा, तो माशीदा के साथ दा हटा के हम लेओ लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे,
स्क्रीन पे देखें, ई नहीं खत्म होगा, इसका ई क्यों खत्म होगा? रियल फाचिम में लगेगा ना, इसके साथ फाचिम है ही नहीं, इसके साथ फाचिम है ही नहीं, तो ये एक रियल यहाँ पे लगाना है, एक यहाँ पे, हाँ ऐसे। मो माशिल ले, आपने क्या पीना है, आपने क्या पीना है, और मैं क्या बोलूंगा इसाक, आप क्या बोलेंगे, क्या पीना है? छोनुन, आयशा भी बोलिए छोनुन खोफी मा, खोफी रुल भी बोल सकते हैं, खोफी रुल भी बोल सकते हैं, खोफी रुल, और रुल के बगैर भी लिख सकते हैं, खोफी रुल मा शिल ले ओ। अरे सयो अलगे सयो नहीं अलगे सुना अच्छा आने दे, आने दे, इसको रिमूव करना है, ऐसे मैं दूसरे उसे कर रहा हूँ इस्तेमाल, ये यूज़ करना इजी है लेकिन ये वर्ड्स भी साथ ही आते हैं इसके। अच्छा अब आते हैं, ये इसने ये क्या कर रही है, ये लड़की टीवी देख रही है, तो सवाल क्या बनता है, सवाल इसका क्या बनेगा, आपने क्या खाना है, ये सवाल बनेगा, आपने क्या देखना है, क्या देखना है भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, क्या देखना, आपने क्या देखना है, लेकिन इससे भी कॉमन चीज, आपको तो नहीं पता कि वो कुछ देखेगी ही, कुछ और भी कर सकती है, सो सकती है, खा भी सकती है, आप उससे सिंपल पूछेंगे, गुड वेरी नाइस, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, इस तरह ये ज्यादा ये बेहतर है मेरे ख्याल में। इसके भी आगे लिखे हैं, तो क्या करना है, आपने क्या करना है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, तो क्या बोलेंगे, मो हादा बोलते हैं ना करने को, हा के साथ फाचिम है नहीं, नहीं है, तो एक रियल नीचे लगेगा, एक इधर लगेगा, और ले ओ, मो हल्ले ओ, क्या बनेगा, मो हल्ले ओ, क्या करना है जी, मो हल्ले ओ, की करना है, पंजाबी में कैसे बोलते हैं, की करना है, ठीक है। तो अब वो लड़की क्या बोलेगी, मैंने करना वरना कुछ नहीं, मैंने क्या करना है, छोनुन, इसको आप क्या बोलना चाहते हैं, यौंग हुआ या टीवी, टीवी देखना बोलना, टीवी ठीक रहेगा ना, छोनुन हेले बीजन होदा, टेलीविजन उल होदा पड़ा था ना, उल को यहां से निकाल देंगे तो हैं, हल्ले इस दिन ना आएगा कि उन्होंने पिक्चर में बता दिया कि इसने क्या करना है, तो हम यही कहेंगे कि मैंने टीवी देखना है, मैंने टीवी देख, उसने पूछा आपने क्या करना है, तो हम इस तरह भी बना सकते हैं कि मैंने टीवी देखना है, ठीक है, और भी बहुत सारे बन सकते हैं ना, आप क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह होना चाहिए, मूवी कर लेते हैं, मतलब हमने बनाना इसी तरह से ही है, इसी तरह से इसे एंड वाला देखना है, कौन सा क्या करना है, एंड वाला कौन सा, मतलब ये हल्ले तो वो बताता हूँ ना, अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, छोनुन टेलीविजन बोदा, टीवी देखने को क्या बोलते हैं, बोदा बोलते हैं कि नहीं बोलते, छोनुन टेलीविजन बोदा हो गया, उसका दा डालेंगे, फाचिम है नहीं है, तो क्या बनेगा, बोले हो, क्या बनेगा, छोनुन टेलीविजन बोल रहे हो, मैंने टीवी देखना है, अब सेटिस्फेक्शन हुई है कि नहीं, तो अभी बात कंप्लीट ही नहीं हुई, आप ये कहना चाह रहे थे कि टीवी के साथ, टीवी चूंकि वर्ब नहीं है, तो इसके साथ लेओ कैसे लगेगा, है ना, नहीं नहीं मेरी बात नहीं समझे, मैंने ये कहा कि मो हल्ले हो, आपने क्या करना है, तो मैंने अब दूसरे बंदे ने देखे, पहला बंदा बंदा कोई और है, वो कुछ और सवाल कर रहा है, अब दूसरा बंदा अपनी अपना जवाब देगा ना, अपनी नियत बताएगा, कि आप उसको नियत भी खुद बना के दोगे कि ये बोलना है तूने, आपने उससे सवाल करना है, ठीक है, इसमें ज्यादा वो होने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो अगर फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, काट लो, वो जो आप कह रहे हैं वही लिख लेते हैं, उसमें भी पता क्या होगा, हल ले होगा बजाय भूल ले होगा, क्या होगा, लिख लेते हैं वो भी, अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि आपने क्या देखना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मो बोल ले ओ, वो भी है भी, कुछ वहां पे भी हो सकता है, क्या करना है, टीवी देखना है, या चलो मो बोल ले ओ, मैंने टीवी देखना है, तो बात तो एक ही है, समझाइए, लेकिन उससे ज्यादा ये सूटेबल है। अच्छा अब यहां पे क्या होगा, नीचे वाले में
यहां पे भी देखेंगे इस बंदे ने क्या करनी है, इस औरत ने रेस्ट करनी है। तो इससे सवाल क्या बन सकता है, क्या क्या सवाल कर सकते हैं, कोई और सवाल बताएं। मो हल्ले हो भी बोल सकते हैं, क्या करना है, तो वो कहेगी मैंने रेस्ट करना है। और क्या पूछेंगे, और तो कुछ बनता ही नहीं है, यही बनता है ना। हाँ, आपने क्या करना है, हमें तो नहीं पता किसी ने क्या करना है, है? क्या वो फिर फूकी छोरम कह रहे, चलो ठीक है इसको वैसे बना लेते हैं, ठीक है। छूमले, छूमल बोल लें या आचिम कर लें या नेल कर लें या कल कर लें, नेल नेल, ये देखिए नेल मो हल्ले हल्ले ओ नेल मो नेल मो हल्ले ओ, कल क्या करना है, तो ये क्या बोलेगी, नेल मो हल्ले ओ छोनुन, देखिए ध्यान से टीवी उस पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए, छोनुन नेल, मैंने कल क्या करना है, छोनुन नेल रेस्ट करना, शीदा क्या बोलते हैं, शीदा बोलते हैं ना, तो इसका फाचिम है, दाय हटा दिए, फाचिम है नहीं है, तो एक एक रियल नीचे लगेगा और एक रियल यहां, छिल्ले हो छोनुन नेल छिल्ले हो, मैंने तो रेस्ट करनी है सुबह, मैंने क्या करनी है, रेस्ट करनी है। अलगे सोयो छिलमुन सोयो छिलमुन सोयो छिलमुन सोयो छिलमुन हसे हो छिलमुन सोयो, पहले पेज दूसरे पेज पे तीसरा चैप्टर था, कियोग नियोन सीखने के बाद सबसे पहले हमने खुशी, छिलमुन कौन जाएगा, छिलमुन का मतलब क्या होता है, छिलमुन सोयो ने छिलमुन सुमिदा छिलमुन सोयो आनी ओ छिलमुन ऑब्सुमिदा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्या था फिर, वो था अलगस सोयो ने अलगस सोयो आनी ओ मुरुगेस्मिदा, उसके नीचे था याद है, हाँ क्वेश्चन, छिलमुन किसको बोलते हैं, क्वेश्चन को, छिलमुन सोयो क्वेश्चन है तो आपको क्वेश्चन होगा तो आप क्या बोलेंगे, छिलमुन दे छिलमुन इस्मिदा, अगर नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे, आनी और छिलमुन ओप्समिदा, समझ आइए, आगे 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 याद करते जाएं और पीछे पीछे बोलते जाएं पुराना सबक, ठीक है, शाबाश। योगी सो छोरंग तारा हसे हो थे हुआ ई, तारा हसे हो थे हुआ ई थुआन शीनुन खिमची चिगेरुल हिजर, तरह से हो पेज हिजर को पेज नंबर बता दे, पेज नंबर बता दे, उधर स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, तो बस वही देख लें, ये बुक का वो इतना बड़ा है, तो थुआन शीनुन खिमची चिगेरुल छुआयो ने छुमल छुआयो थाशी 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 योगी सो थाशी योगी बुधो थुआन शीनुन किमची जिगेरुल छुआहेओ ने छोंगमल छुआहेओ, किमची जिगेगा अनमेवोयो, जिगम मो सॉरी 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 चुकुम मेवोयो, चुकुम मेवोयो हजीमान माशिसोयो, लेहान शीनुन किमची चिगे छुआ है ओ आनी ओ छोन अनछुआ है ओ, ये है सोयो, ये है सोयो का मतलब क्या होना चाहिए, आपको समझ आ गई, ई है किसको बोलते हैं, ई है ई है ई है, वो ई अलग है, ई है हादा, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ई है हादा बोलते हैं, समझ, ये बहुत जरूरी है, ई है हादा ये लफ्ज है, ई है हादा ये यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ये देखें ई है हादा का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करना, ई है हिस्सा हो, आपको समझ आइए, ओके। अब मैं इसकी थोड़ी सी आपको ट्रांसलेशन करके बताता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। सारे फॉरनर्स को तंग करने के लिए करते हैं, खाली पाकिस्तानी को टारगेट नहीं करते, वो सबसे एंड पे बताऊंगा आपको, ठीक है। तंग क्या करते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं आती है,
नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन यह कि मैं आपको एंड पे इसके ऊपर भी थोड़ी ब्रीफिंग दूंगा। पहले पेपर पास करो, फिर मेरे पास आओ वापस, तो फिर मैं बता दूंगा आगे क्या करना है, ठीक है? लेहान थुआन शीनून, स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे, स्क्रीन पे अगर नजर आ रहा है तो वो ज्यादा बेहतर है। थुआन शीनून, अब मैं इसको ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, थुआन शी के साथ चूंकि बात कर रहा है तो इसलिए थुआन शी का नाम ले रहा है। वहां पे यू और आपका नाम है, कम भी लेते हैं, और यहाँ पे उन्होंने हमें समझाना भी है ना कि कौन किससे बात कर रहा है, इसलिए नाम भी लिख रहे हैं, ठीक है? खिमची चिगे रुल, खिमची चिगे उनके खाने का नाम है, डिश है। क्या है? खिमची चिगे, एक चिगे हमने पहले पढ़ा था ना पहले चैप्टर में, चिगे, चिगे क्या था पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पहले के दूसरे चैप्टर में, चिगे का मतलब चिगे लिखा हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि ये शोरबा टाइप, हाँ, एक मतलब हर तरह का शोरबा होता है, मैंने मतलब बहुत सारी डिशों के साथ वो जब पानी और शोरबा और उस तरह बनाते हैं तो उसको चिगे बोलते हैं, ठीक है? खिमची चिगे यानी खिमची वाला चिगे, खिमची वाला चिगे। इस तरह की चीजों को आपको ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये तो चीजों के नाम है, कोरियन ड्रामे हैं कि कोरियन खाने हैं, आपको क्या जरूरत है उनकी वो ट्रांसलेशन करने की। खिमची चिगे रोल छुआ है वो, छुआ है वो सवाल कर रहा है, थुआनशी आपको खिमची चिगे अच्छा लगता है? छुआ है वो का मतलब क्या होता है? अच्छा लगता है। ने छोंगमल, सच में, छोंगमल का मतलब क्या होता है? हकीकत में, सच में, वाकई में, बहुत छुआ है वो अच्छा लगता है, वाकई में मुझे अच्छा लगता है। छोंगमल छुआ है, छोंगमल का मतलब क्या होगा? बहुत नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, छोंगमल का मतलब होता है वाकई में, रियल में, सच में, श्योरली, ठीक है, अच्छा लगता है। खिमची चिगे का अन में वो हो, रेहान पूछ रहा है कि खिमची चिगे, हमने अन और मेवो और अन मेवो इस तरह की चीज पढ़ी थी ना, अन लगा के चीज अपोजिट हो जाती है, बताया था कि नहीं बताया था? जैसे मैंने बोलता हूँ कि को खिमची चिगे ज्यादा मिर्च वाला नहीं होता, चुकुम मेवो हो, वो दूसरा क्या कह रहे हैं? चुकुम मेवो हो, थोड़ा बहुत स्पाइसी होता है। चुकुम का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत, मेवो हो, थोड़ा मिर्ची होती है उसमें, थोड़ा स्पाइसी होता है। हाजीमान, लेकिन, हाजीमान का मतलब क्या होता है? लेकिन माशिस हो, डिलीशियस होता है, लेकिन मिर्ची स्पाइसी तो होता है, लेकिन माशिस सोयो, माशिस सोयो का मतलब होता है मजेदार होता है, ये भी आज हम पढ़ेंगे। लेहान शी नून, लेहान शी खिमची चिगे छुआ है, आप भी खिमची चिगे पसंद करते हैं? लेहान शी खिमची चिगे छुआ है, क्या आप भी खिमची चिगे को, ये खिमची चिगे है ना, ये डिश है, छुआ है पसंद करते हैं? आनी हो, आनी हो, आनी हो का मतलब क्या होगा? नहीं, छोन, छोन क्या चीज है? छोन में हमने पढ़ा था, छोनन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? छोनन का मतलब क्या पढ़ा था हमने? मैं, और कोरियन इसको शॉर्ट कट करके इस शीर्ट को इस नियन के साथ मिला के शॉर्ट कट पर, हम भी बहुत अच्छे शॉर्ट कट मारते हैं, वो भी हमारी जबान सीखेंगे तो उन्हें भी गुस्सा चढ़ेगा कि ये इन्होंने इतने शॉर्ट कट क्यों मारे हुए हैं जिस तरह हमें चल रहे हैं। छोन, शॉर्ट कट में क्या पढ़ते हैं वो? छोन यानी कि मैं, अनछुआ है वो, छुआ है वो का मतलब पसंद करना, अनछुआ का मतलब है मैं नहीं पसंद करता, अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं, और 9:21 हो गए, थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमें करना चाहिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, उमशिक थानेकोंगी, तीन नेकोंगी, चार बोले हनकोंगी, ठूकोंगी, सेकोंगी, नेकोंगी। खुंगी किसको बोलते हैं आयशा? मतलब बाउल को बोल सकते हैं, ये चावलों का एक प्याला दे दें, चावलों का एक है, लेकिन ये सिर्फ राइस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? कुक बोलते हैं सूप को, कुक किसको बोलते हैं? सूप को, तो सूप जो है वो बाउल में होती है ना, इस तरह की, इस तरह का जो बाउल होता है, इस तरह का जो बाउल होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रित बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रित बोलते हैं। तो हनग्रित, हनग्रित का मतलब क्या होगा? ये क्या लिखा हुआ है? थुग्रित, इसका मतलब क्या होगा? ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या होगा? किसे बोलिए, ये क्या लिखा हुआ है? ऊंची आवाज से खुन सिरी रो, नेग्रित, नेग्रित मतलब, ये ग्रित का मतलब क्या होगा? इस तरह का बाउल जो होता है, ठीक है? और इसी तरह के ग्रित में अगर चावल पड़े हो तो आप हनग्रित बोल सकते हैं ना, हनग्रित, थुग्रित, सेग्रित बोल सकते हैं, और इस तरह के हो तो हनखूंगी, थूकूंगी, सेकूंगी, ठीक है? मतलब प्याला ही, ये प्याले में ही होते हैं, लेकिन इनमें फर्क पता है क्या होता है आपको, मैं गूगल पे दिखाई देता हूँ। ये आपको मैं इमेजेस दिखा देता हूँ इसके, ग्रुत ग्रुत में और उसमें क्या फर्क होता है, जो होता है ना खुंगी,
चावलों का जो प्याला होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, वो इस तरह का होता है। एक मिनट, इसमें कोई सूटेबल सा लकड़ी का है? जरूरी नहीं कि लकड़ी का हो, जरूरी नहीं कि लकड़ी। ये देखें उसमें से ये निकले हुए राइस, बिल्कुल देख रहा हूँ मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो ये वाला नहीं है, वो आम तौर पे जो वहाँ पे होते हैं ना, वो बाद में वो दिखाना चाह रहा हूँ आपको जो आम होटलों पे होते हैं, ये वाला। ये देखे ना, ये भी इसको भी आप प्याला ही बोल सकते हैं, ये जिसमें चावल नहीं पड़े हुए व्हाइट वाले, ये नजर आ रहा है ये वाला, ये बाउल ही है। लेकिन इस बाउल में और इस बाउल में फर्क है कि नहीं है? ये एक तो छोटा भी है और दूसरा ये चावलों स्पेशल चावलों के लिए होता है, इसमें कोई और चीज नहीं डालते वो, तो उसको इसलिए खुंगी बोलते हैं। ठीक हो गया। और जो ये होता है ये ग्रत है, ये क्या है? ग्रत प्याला है। अच्छा, उसके बाद फान छान जो है वो प्याले में तो नहीं डालते, साइड डिशेज जो होती है वो किसमें डालते हैं? डिशेज में डालते हैं, या जिसको हम प्लेटें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट्स। तो उसको प्लेट को कोरियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? छोपशी। क्या बोलते हैं? छोपशी। तो ये देखिए, ये सारी साइड डिशेज जो हैं, सैलड वगैरह, ये मछली, ये जो छोटी साइड आइटम्स जो होते हैं वो उनको प्लेट में डाल के देते हैं, ग्रिथ में डाल के नहीं देते। तो आपने पैकिंग, ये जितनी भी काउंटिंग है आपने उसकी पैकिंग देखनी है कि वो किस शेप में है। अगर आपको इसमें जो चावल मिल रहे हैं तो आप उसको छोपशी बोल सकते हो, डिश में मिल रहे हैं तो आप उसको क्या बोल सकते हो? हन छोपशी। तुझ किसी होटल में चले जाओ, वहां पे डिश सिस्टम है। क्या है? डिश। आप रोज रोज जाते हो तो उसको हन छोपशी चूसे हो, इस तरह भी बोल सकते हो, आप हन छोपशी चूसे हो। अगर छोपशी का मतलब होगा कि एक प्लेट में डाल के दें। हन खुंगी बोलेंगे तो वो आपको इसमें डाल के देंगे, हन ग्रत बोलेंगे तो वो इसमें भी डाल के देंगे आपको। समझ आ गई मेरी बात की? तो हन छोपशी, थू छोपशी, ये पढ़िए, यहां से आप पढ़िए, इल्क से हो, धू नहीं, थू छोपशी, प्लेट्स। ठीक है। फुल खोगी, ये क्या लिखा हुआ है? फुल खोगी। खोगी बोलते हैं गोश्त को। खोगी किसको बोलते हैं? हिजर गोश्त को बोलते हैं। फुल का मतलब होता है आग। फुल का मतलब क्या होता है? आग को भी बोलते हैं और लाइट को भी बोलते हैं। आग और लाइट में चीज कॉमन है ना, रोशनी, रोशनी कॉमन है। तो फुल जो है लाइट को भी बोलते हैं, बल्ब की जो लाइट होती है, और फुल आग को भी बोलते हैं। ठीक है। अब फुल खोगी से मराद वो वाला गोश्त होता है जो आग के ऊपर पकता है। कौन सा गोश्त है? आग के ऊपर पकता है, उसको हम बारबेक्यू बोलते हैं ना, बारबेक्यू। तो अब यहाँ पे देखें, प्लेट्स में ही पड़ा हुआ है। किसमें पड़ा हुआ है? प्लेट्स में ही पड़ा हुआ है। बड़े ध्यान से सुनने की बात है, क्या लिखा हुआ है? इल। ये क्या लिखा हुआ है? 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 सा। इल इन बुन। इल इन बुन, इन बोलते हैं आदमियों के लिए इस्तेमाल। इल इन बुन यानी एक बंदे के लिए। बुन मैंने आपको पहले बताया था साहब, यहाँ पे म्योंग भी लग सकता है ना, म्योंग, आम बंद, हन म्योंग, थू म्योंग, से म्योंग। लेकिन जब हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो म्योंग को हटा के हम उसकी जगह बुन इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? बुन। इल इन बुन यानी एक साहब के लिए। अगर इसका लफ्जी मतलब किया जाए तो क्या? एक साहब के लिए। आप होटल में जाते हैं ना तो वहां पर डील्स होती है, होती है ना डील्स, तो साथ उन्हें लिखा हुआ है 1% सर्व टू, 1% सर्व टू, 2% लिखा होता है ना। हमें देखना, आप किसी नए होटल में चले जाओ, वहां पे आप जाके देखते हो रेट लिखा हुआ है जी 1700 रुपए का, इतने जी टिक्के हैं। तो आपको ये समझ नहीं आती कि हम दो बंदे हैं, हम एक मंगवाएं तो काफी हो जाएगा या दो मंगवाएंगे तो काफी हो जाएगा। तो आप उनको क्या बोलते हैं कि हमें 2% वाला दिखाओ, हमें 2% वाले दिखाओ, ऐसे ही होता है ना। ये वो चीज समझा रहे हैं कि इरिन बुन का मतलब क्या कि एक बंदे की फुल खोगी। इन बुन का मतलब है कि दो बंदों को जो काफी हो जाए फुल खोगी। और सम इन बुन का मतलब है कि जो तीन बंदों को काफी हो जाए उनकी फुल खोगी, चार। तो ये डील्स हैं। ये क्या है? डील्स हैं। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इन बुन एक प्लेट में ही डाल के देंगे, वो आपको दो प्लेट में भी एक बंदे का डाल के दे सकते हैं, और ये आपको एक प्लेट में दो बंदों का भी डाल के दे सकते हैं। कंसेप्ट को समझें, इन इन बुन का मतलब क्या है? वन सर्विंग। क्या लिखा होता है होटलों पे? वन पर्सन, ये सर्विंग भी लिखा होता है, सर्विंग, वन सर्विंग, या इस तरह के कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। ई इन बुन यानी के दो बंदों को सर्व करने के लिए। बारबेक्यू के लिए नहीं, ये इन्होंने वैसे फुल खोगी लिखा है, मोस्टली होता है ये बारबेक्यू के लिए है। क्योंकि जो बारबेक्यू होता है ना, बारबेक्यू उसमें मसला क्या होता है कि वो हम सीखों से जैसे बनाते हैं ना, टिक्के बनाते हैं, तो उसमें जो है वो हमें पता नहीं होता कि ये कितने बंदों को काफी हो जाएगा, कितने बंदों, किसी की सीख छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी का तो तिक्के कम होते हैं। हाँ, तो इसलिए इसके साथ ये स्पेशली जो है ना, जो बारबेक्यू होता है ना, इसके साथ आपको बताना पड़ता है, हमारे होटल में भी ऐसे ही है कि कितने बंदों को ये सर्व करना है। समझ आ गए मेरी बात की? सर
इरिन बोन। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं।